मॉर्निंग फैमिली, तो कैसे हो आप सब। एंड आज है 29th of September एंड वेंसडे है एंड आज जीतिया पर्व है, तो हैप्पी जीतिया पर्व। तो मेरा तो गुड मॉर्निंग आज नहीं हुआ है क्योंकि आज मेड नहीं आई है, जबकि आना चाहिए था, नहीं आई है। पूरा घर गंदा है और बर्तन तो कल शाम से ही नाली पे पड़ा हुआ है, अभी मुझे वो धोना पड़ेगा। बर्तन ऐसे मैं धोती नहीं हूँ लेकिन धोना पड़ेगा, मम्मी तो धो नहीं सकती, मम्मी का फास्टिंग है। तो आज सुबह सुबह ही मेरा भयंकर वाला मूड खराब हो गया है। शाम में नहीं आती तो चलता क्योंकि फास्टिंग उसका भी, लेकिन सुबह में तो आ ही सकती थी। तो सुबह में भी नहीं आई, कल पीता हुआ शाम वो भी नहीं आई, तो दिमाग का पूरा दही हुआ पड़ा है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि बर्तन कितना पड़ा हुआ है। जस्ट लुक एट द बर्तन, कितने सारे बर्तन हैं। ये कल शाम से है जो कि मुझे अभी धोना है। तो चलिए ठीक है, बातें बाद में करती हूँ, आज बहुत काम है, आज खाना वाना सब मुझे बनाना है। तो मैं बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। जब मैंने आधा से ज़्यादा बर्तन धो लिया तो मेड जो है वो आ गई है, तो वो बहुत ज़्यादा बर्तन था, बहुत ज़्यादा। तो मैंने एक ट्रिप धो लिया था, उसके बाद मैं उसको सजा करके वापस से धोने जा रही थी। तो जब तक वो आ गई, झाड़ू तो मैंने लगा ही दिया है, तो वो वापस से झाड़ू लगा रही है और पोछा लगा देगी। और फिर शाम में तो आएगी नहीं क्योंकि उनका भी फास्टिंग है। कल सुबह में भी नहीं आएगी, हो सकता है फिर उसे तक कल शाम में आए। तो चलिए, कपड़े भी गंदे हो गए हैं बर्तन धोने में, वो बेसिन तो है नहीं यहाँ, तो बैठ करके धोना पड़ता है, रेलवे क्वार्टर है ना। तो अब मैं फटाक से नहा लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ नाश्ता के टाइम में। दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट फॉर टूडे, खाजा, यम्मी वाला। कटिहार का खाजा ऐसे कड़ा कड़ा होता है। हमारे इधर मतलब मैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, मेरा होम टाउन है, तो वहाँ पे इस तरह का खाजा नहीं मिलता, वहाँ मुलायम वाला मिलता है। तो उस साइड के लोगों को भी यही वाला खाजा पसंद है और मुझे भी। और ये भुजिया मैंने लिया है, कुछ मीठा के साथ कुछ नमकीन हो जाए। तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और उसके बाद आज लंच में मैं सब चीज़ करने वाली हूँ, मीन्स कि मैं बनाने वाली हूँ लंच। और लंच में मैं बनाने वाली हूँ रोटी एंड भुजिया। तो देखते हैं सब्जी क्या चीज़ की है। और चावल तो मुझे खाने का मन करता है नहीं, ऐसे भी हर साल होता है ना, ऐसा ही होता है कि मैं रोटी ही बनाती हूँ, चावल में बहुत झमेला है, फिर दाल बनाओ, दाल मुझसे बनेगा नहीं। इसलिए वैसे मम्मी, अच्छा हुआ मेड आ गई, वरना मम्मी बोल रही थी लाओ मैं धो देती हूँ बर्तन, धो देती हूँ। मैं बोल रही थी नहीं, खुद धो लूँगी मैं खुद धो लूँगी, फिर मम्मी मान नहीं रही थी, बोल रही थी कि नहीं नहीं लाओ मैं धो देती हूँ। मैं बोली कि नहीं, तो फिर मैं चुपके से जाके बर्तन धोना स्टार्ट करती थी, आधा बर्तन धोई थी कि बस मेड आ गई, तो फिर उसने पूरा काम कर लिया। तो ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। मुझे लगा था कि फ्रिज में सिर्फ बैगन है, लेकिन मम्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गई है। तो यहाँ पे कच्चा केला भी था और भिंडी भी था, तो मैं सोची कि भिंडी बनाओ कि कच्चा केला बनाओ, तो फिर सोची कि नहीं कच्चा केला का भुजिया ही बना देती हूँ। भिंडी आलू का भुजिया जो है वो रात में हो जाएगा, अगर मान लीजिए दिन वाला भुजिया नहीं बचा तो, या फिर नेक्स्ट डे। देन मैंने कच्चा केला का भुजिया ही मैंने डिसाइड किया कि मैं वही बनाऊंगी, और पापा के लिए पराठा बना दूंगी, अपने लिए रोटी एंड खीर तो था ही रात में जो मम्मी ने बनाया था एक दिन पहले, तो खीर तो था ही, और मिठाई भी है ही, खाजा भी है ही, तो मीठा का टेंशन तो है नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ भुजिया बनाना है, और आटा भी साना हुआ था लेकिन मुझे और सानना था ताकि रात के लिए भी हो जाए। तो चलिए, तो बनाते हैं केला का भुजिया। ये मैंने कच्चा केला जो है काट लिया है, और फ्रिज में कल पकौड़ा का बैटर भी है पापा के लिए, वो भी फ्राई कर दूंगी। फिलहाल मैं अभी ये केला का भुजिया जो है उसको मैं भूंज लेती हूँ। लंच जो है वो रेडी हो गया है, केला का भुजिया रेडी है, पकौड़ा का बैटर थोड़ा सा था तो ये पापा के लिए मैंने छान दिया है पकौड़ा, और ये मैंने पराठा बना दिया है पापा के लिए, और मैंने अपने लिए रोटी बनाई है। देन ये खीर है जिसमें आधा मैं लूँगी आधा पापा लेंगे, और खाजा भी है और ब्लैक एंड वाइट रसगुल्ला भी है। तो देखते हैं क्या क्या खाती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ अब शाम के टाइम में, और या फिर उसे पापा जब पहले आते हैं फ्रूट्स लेकर के पूजा के लिए तो मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे यहाँ मम्मी जो है वो जीतिया में डाला चढ़ाती है, तो ये पापा डाला लेके आए हैं एंड फ्रूट्स लाए हैं चढ़ाने के लिए, जिसमें नारियल है, केला है, सेब है, अमरूद है, खीरा है, ये सब है, और पान सुपारी है। और यहाँ शाम के टाइम में मैं लेट से उठी, मैं सो गई थी, तो मम्मी यहाँ पूजा कर ली थी, यहाँ पर देखिए डाला भी मम्मी ने चढ़ा दिया भगवान जी के पास। तो मैं लेट से उठी थी, नींद आ गया था ना, दिन एक्स्ट्रा लोड बढ़ गया था तो मैं थक गई थी, तो मैं सो गई थी, डेट्स वाई। दिन वाला केला का भुजिया था ही, तो फिर रात का तो कोई टेंशन नहीं था, सिर्फ रोटी बनाना था। तो ये भिंडी मैंने कट कर लिया है नेक्स्ट डे सुबह के लिए, जब मम्मी अपना फास्टिंग का पालन करेगी
जब व्रत खोलेगी तब तो मम्मी को मैं भिंडी का भुजिया दूंगी खाने के लिए एंड पराठा दूंगी। इसलिए मैं कट करके रात ही में फ्रिज में रख दी थी कि सुबह में मुझे हड़बड़ी ना हो, क्योंकि सब्जी कट करने में बहुत ही ज़्यादा लेट लगता है, डेट्स वाई। तो मम्मी भिंडी का भुजिया खा लेती है, डेट्स वाई मैंने भिंडी का भुजिया कट किया, नहीं तो मैं इसमें आलू वगैरह दे देती, तो मम्मी आराम से खा लेती है, तो फिर कोई बात नहीं है, पराठा तो रहेगा ही। गुड मॉर्निंग, और अभी बज रहे हैं सुबह के 8, मैं उठ चुकी हूँ। मम्मी थोड़ा मम्मी नहा करके पूजा करके हल्का फुल्का कुछ फ्रूट्स खा के मम्मी अब आराम कर रही है। मैं भिंडी जो कल कट करके रखी थी उसको मैं फ्राई कर रही हूँ, एंड मैं उठी और डायरेक्ट किचन में चली गई, भुजिया मैंने चढ़ा दिया क्योंकि मम्मी कुछ खा लेती है सुबह, पानी वगैरह फ्रूट्स वगैरह, उसके बाद सो जाती है, सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट की ज़रूरत नहीं होती है उन्हें, फिर भी मैं बना देती हूँ जब मूड करेगा, तो भुजिया चढ़ा दी हूँ, उसके बाद मैं पराठा बना दूँगी। और ये प्लेट सज चुका है, पराठा एंड भिंडी का भुजिया। और पराठा पहले मैं ट्रायंगल शेप में नहीं बना पाती थी, लेकिन अब मैं आराम से बना लेती हूँ। ये रहा मेरा नाश्ता, दूध, चूड़ा और केला। तो आज मैं थोड़ी लेट से नहाने वाली हूँ और मुझे भूख भी लग गया था, तो प्रसादी में मम्मी ने केला चाहा था, तो मैं दूध चूड़ा केला बहुत दिनों के बाद खाने वाली हूँ। दूध चूड़ा केला मुझे पता भी नहीं कि लास्ट टाइम मैंने कब खाया था ये। और अभी सर्दी वर्दी के चलते तो दही तो पूरा बंद है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के चलते दही बंद है, खट्टा वट्टा डॉक्टर ने मना किया है, बातर चीज़ डॉक्टर ने मना किया है खाने के लिए, डेट्स वाई मैं बैगन वगैरह भी नहीं खा पा रही जो मुझे बहुत पसंद है। तो इसलिए दूध चूड़ा केला लेके मैं बैठी हूँ, मम्मी आराम कर रही है। तो चलिए छोटे से ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल पे न्यू है, देन सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ओके, बाय।